नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मरी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह। और शुरुआती दौर में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है आज बाज़ार के अंदर, और चार दिन की मजबूती के बाद आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में। 22483 ये आज का इंट्राडे लो लगा, 22586 ये आज का इंट्राडे हाई है। लेकिन अच्छी बात यह है, बाज़ार अपने दिन के उच्चतम स्तर के आसपास कामकाज करता हुआ, हालांकि सीमित दायरे का बाज़ार है। 22561, 22562 ये निफ्टी का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। और सुबह से ही बुल्स और बियर में ज़बरदस्त जंग चल रही है, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है कि एनएससी पे अभी थोड़े से बुल भारी पड़ते हुए लगभग बराबर की लड़ाई है। 1243 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, 1211 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। 129 शेयरों में एनएससी पर आज हमने देखा कि 52 हफ्तों का जो है उन्होंने अपना उच्चतम स्तर बनाया है। लेकिन कल के दिन जो हमने पीएसयू शेयरों में रैली देखने को मिली थी, अब वो थोड़ी सीमित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी तरीके से नकारात्मक नहीं है। बैंकों में जरूर दबाव देखने को मिल रहा है, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर हम बातचीत करेंगे। पीएसयू की जो रैली देखने को मिली है और जिस तरीके से बातें चल रही हैं पीएसयू को लेकर के, क्या अभी भी वहाँ पर पोजीशन बना करके रखनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। आप अपने सवाल भेजते रहिए, आपके सवालों के उत्तर भी देंगे। खबरों वाले शेयरों में बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो हो सकता है उन स्टॉक्स पर आपके भी पोर्टफोलियो में शामिल हो, क्या रणनीति होनी चाहिए बताएंगे आपको। और वह क्या आईपीओ है, में आईपीओ बाजार पर भी होगी चर्चा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं, हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ के तौर पर। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले चार दिनों के अंदर जो जिस तरह की वोलेटिलिटी हमने देखा था करीब महीने भर पहले या 20 दिन पहले देखने को मिल रही थी, वो थोड़ी रुकती हुई दिखाई दी है। एक जो चुनावी नतीजों को लेकर के आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा थी, क्या वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी हैं? प्रधानमंत्री का बयान परसों एक निजी चैनल के इंटरव्यू में आता है पीएसयू बाज़ार को लेकर के, कि 4 तारीख के बाद जो है वो निवेशक थक जाएंगे, ऐसी तेज़ी देखने को मिलेगी। पीएसयू शेयरों को लेकर के जो उन्होंने भरोसा दिखाया, कल उसका रिएक्शन देखने को मिला। सभी रेलवे, पावर, इन सब डिफेंस जितने पीएसयू शेयर हैं काफ़ी चलते हुए दिखाई दिए। तो क्या ये बाज़ार का जो भरोसा थोड़ा थोड़ा करके लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तेज़ी तो नहीं है लेकिन बाज़ार ऊपर की तरफ ही अपनी दिशा दिखा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस बाज़ार को, और क्या अनिश्चितता का माहौल थोड़ा कम हुआ है क्या? देखिए, अगर हम विक्स को देखें विपुल जी, तो वहां पर तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि अनिश्चितता का माहौल कम हुआ है, क्योंकि विक्स लगातार जो है 52 वीक्स हाई के आसपास है, फिर 21 के ऊपर अभी भी है, जिसमें कि दिख रहा है कि लोग प्रीमियम शायद खरीद रहे हैं। और प्रीमियम मतलब एक इवेंट रिस्क है, और उस रिस्क को से अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए ये प्रीमियम शायद खरीदी जा रही है। लेकिन अगर चार्ट पर देखें तो सच जो है एक साइडवेज पैटर्न है काफी दिनों से, अगर आप देखेंगे निफ्टी पर तो, और बैंक निफ्टी में लेकिन जो है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ है बैंक निफ्टी में। लेकिन मुझे लगता है कि 47,500 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कि वहां पर एक ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तब बैंक निफ्टी में दबाव देखा जा सकता है। निफ्टी में सच जो है कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है एक साइडवेज है टोटल। अब 22,700-22,800 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे अगर उसके ऊपर निकलता है तो, क्योंकि काफी दिनों से साइडवेज है मार्केट, और साइडवेज के बाद एक टर्न लेगा मार्केट, बी इट ऑन डाउन साइड और अपसाइड देखना होगा, क्योंकि 1,000 पॉइंट के करीब के जो है एक बैंड बना रखा है मार्केट ने, और एक बड़ा इवेंट है 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो है धीरे धीरे मार्केट साइडवेज है 1,000 पॉइंट के बीच में। अगर वो कोई भी दायरा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तोड़ता है, नीचे की तरफ अगर आप समझ लो कि 21,700-21,800 ये तोड़ता है तब दिक्कत हो सकती है, और ऊपर अगर चलता है मार्केट तो 22,700-22,800 ये अगर चल जाए ऊपर तो एक बड़ी तेजी हो सकती है, तो इस दायरे को देखें। लेकिन पीएसयू में जैसा आपने ठीक कहा कि काफी तेजी है, गवर्नमेंट अगर रिपीट करती है तो सरकार का जो उद्यम है पीएसयू को काफी लाभ होगा, रेलवे में काफी ऑर्डर मिल सकते हैं, डिफेंस में मिल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ऑर्डर हो सकते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है मार्केट एक क्लू ले रहा है कि अगर ये सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है तो इन तमाम शेयर्स में और तेजी होगी, इवन फॉर दैट मैटर पावर सेक्टर के भी स्टॉक्स हैं जो वहां भी तेजी हो सकती है। जी चलिए, तो ये राय बाजार को लेकर के निकल करके आती हुई, अब बस कुछ ही दिनों का मामला रह गया है,
तो अब देखते हैं किस तरीके के नतीजे आते हैं, और उसके बाद फिर सबकी निगाहें जो है अंतरिम बजट पर होंगी, जो भी सरकार आए। लेकिन अब इस बीच जो है बहुत सारी बड़ी संख्या में दर्शक जो है अपने प्रश्न भेज रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। संयुक्त करनेवार जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं नमस्ते फ्रॉम ब्लैंक बैंगलोर सर। नमस्ते सर आपको भी। IOCL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 135 शेयर इनके पास हैं, 169 रुपए के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, और इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है, 2 साल का। कह रहे हैं कि 2 साल तक इसे होल्ड कर सकते हैं। मैं कह रहे हैं और भी मैं खरीदना चाह रहा हूं IOC के शेयर, क्या मुझे करंट भाव पे ख़रीदना चाहिए? आज 1% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है IOCL के शेयर में, 165 का लेवल देखने को मिल रहा है, इन्होंने 169 पे लिए हैं, तो 3-4 रुपये के नुकसान पे हैं, ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। एक शानदार रैली के बाद हमने देखा कि अब थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पिछले 1 महीने में 3.75% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर, IOCL पे और ऐड करना चाह रहे हैं, 2 साल का नज़रिया है, क्या कर सकते हैं? देखिए, नज़रिया 2 साल का है तो अच्छा है। आप चूंकि आपकी खरीदारी हाल फिलहाल के लेवल के आसपास ही है, तो मुझे लगता है कि आपको सब्सटेंशियल करेक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो बिल्ड करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो बेस हो पिछले स्तर पर आपके पास ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए, ताकि आपका एवरेज कॉस्ट जो है उस प्राइस उस कंपनी के या किसी भी स्टॉक का कम होना चाहिए। उस पर ध्यान रखें और एग्जुबरेंस में ना जाकर, क्योंकि आप ऑलरेडी 169 पे लिया हुआ है, वेट कर लें। 10-15% करेक्शन होता है तब आप जो है एंटर करें इसमें, और इसमें फिर से अच्छी प्रॉफिट हो सकती है। इस साल कंपनी ने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट जो है बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। 43,161 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को, तो मुझे लगता है कि अच्छा करेगा, लेकिन आपको वेट करना चाहिए सब्सटेंशियल ऐड करने के लिए। चलिए, इस बीच जो है अखिलेश कुमार राम जी कह रहे हैं, सर राधे राधे विपुल सर, राधे राधे आपको भी, कह रहे हैं आज मेरा भी सवाल ले लीजिए। बिल्कुल ले लिया जा रहा है सर आपका सवाल, और इनका सवाल है गणेश बेंजोप्लास्ट को लेकर के। इन्होंने 192 के भाव पर ये शेयर खरीदे हुए हैं और 100 शेयर इनके पास हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक अभी वे होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? विवादों में रही कंपनी सर, फ्रॉड के आरोप लगे और भी कई सारे आरोप रहे, और उससे पहले हमने देखा काफ़ी अच्छी रैली भी बेंजोप्लास्ट के शेयर में देखने को मिली है। अभी देखो ये पिछले 6 महीने से शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लगभग 4.5% के आसपास की ही बढ़त देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे इस शेयर को? नुकसान में है ये, नुकसान में नहीं, शायद 100 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, तो इनको तो मुनाफा मिल रहा है, क्या एक बार के लिए मुनाफा इनको बुक कर लेना चाहिए? नहीं, सवाल चूंकि इतनी तेज़ी से आते हैं कि मिस हो जाते हैं, 192 के भाव पे लिए हुए हैं, तो इनको 30-40 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्या सलाह रहेगी सर आपकी इनके लिए? देखिए, मैं बहुत क्लोजली फॉलो तो नहीं करता हूँ, और पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या किस तरह के फ्रॉड हुए हैं। और लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा था। TTM बेसिस पे कंपनी में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है ज़्यादा, और मार्च क्वार्टर के नतीजे अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन लास्ट ईयर 51 करोड़, और इस PTM बेसिस पे ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे 57 करोड़ है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं दिखी है जो है PTM बेसिस पे। शायद वो एक रीज़न हो कि स्टॉक प्राइस गिरा हो। अगर फ्रॉड की बात अगर कुछ हो, जो कि मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, और मैं चूंकि फॉलो नहीं करता हूँ स्टॉक, तो हो सकता है तो उसके कारण भी इसमें देखा जा सकता है। लेकिन नंबर्स और वैल्यूएशंस के लिहाज से काफ़ी अच्छे हैं नंबर्स, और वैल्यूएशन कंफर्टेबल लेवल पे है। लेकिन अगर कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू होते हैं, तो आपको तो लॉस में भी बेच के निकलना चाहिए। अगर ये बात सही है जैसा कि विपुल जी बता रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ये बात है तो वो आपको किसी भी लेवल पर निकल जाना चाहिए। चलिए इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के सवाल लेते हैं। अनवर शेख साहब कह रहे हैं, हेलो सर, आई एम फ्रॉम कोटा। जी हाँ, नमस्कार सर। अनवर साहब कैसे हैं आप? कह रहे हैं सर आपके बोलने का स्टाइल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तारीफ़ करने के लिए। कह रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ क्या? तो अब इनका एक और सवाल है, लेकिन वो बाद में लेंगे, पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इनकी एंट्री के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो शेयर है वो 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ है, 67 के आसपास चल रहा है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साथ ये जितने मिड कैप PSU बैंक्स हैं जिनमें अच्छी रैली के बाद अब करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए एंट्री के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि अभी जो बैंकों के हालात देखने को मिल रहे हैं वो उसमें अभी थोड़ा सा सेटल डाउन और हो जाएं और नीचे आ जाएं उसके बाद एंट्री लेनी चाहिए?
देखिए, हर स्टॉक के जो है अलग अलग अपनी अपनी स्टोरी है और अपने अपने वैल्यूएशंस पैरामीटर हैं, तो उस लिहाज से आपको देखना चाहिए कि सारी चीज़ें सब लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि जो है समय, काल, परिस्थिति, वैल्यूएशन सब कुछ सबके लिए अलग होता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इनके जो वैल्यूएशन है प्राइस टू बुक पे 2.85 टाइम्स है, और लगभग जो है इतने ही टाइम्स पे आपको HDFC बैंक मिल जाएंगे, आपको कोटक महिंद्रा बैंक मिल जाएंगे, प्राइवेट बैंक जो कि अच्छी लेगेसी है इनकी। ये जो है ये बैंक्स आपको उपलब्ध हैं, और ये सरकारी बैंक जो कि काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन, मतलब इवन आप देखें स्टेट बैंक या कैनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना वैल्यूएशन डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये चूंकि छोटा बैंक है, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता लास्ट ईयर का अगर बुक वैल्यू सॉरी अगर इनके लोन ग्रोथ देखें तो तकरीबन 17% की रही है, और इसमें जो है इतना वैल्यूएशन क्यों मांग रहा है ये मुझे नहीं समझ में आता। तो मुझे लगता है ओवर वैल्यूड है एटलीस्ट। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं जो कि शायद मेरे नजर में नहीं आ रही हूँ। पहला ये कि इनके पास जो है जो लोन ग्रोथ है बहुत फास्ट हो, जो कि अदर देन इनके पीयर्स हो, तभी हो सकता है। या दूसरा जो NPA रेजोल्यूशन है वो कम हो जाए इनके, काफी ड्रेस्टिकली जो है वो NPA इनका कम हो जाए या GNPA कम हो जाए। अदर देन दस मुझे लगता नहीं है कि और कोई कारण है। ऐसे प्राइम एफएसआई देखने से नहीं लगता कि आपको इस वैल्यू पे भी लेना चाहिए। ठीक, चलिए इस बीच चलते हैं, जरा अगले दर्शकों का प्रश्न लेते हैं। दो सवाल हमको भेजे गए हैं जस्ट गौतम जी की तरफ से और रचित सक्सेना जी की तरफ से, दोनों ही रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गौतम जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर। सर कह रहे हैं, अचल में 172% का प्रॉफिट हो रहा है, चार्ट पे अभी तक गिरावट दिख नहीं रही है, और क्या मैं अभी बने रहूँ या फिर मुझे जो है प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो अब इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जो है प्रॉफिट में अच्छे खासे हैं अचल के अंदर, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में मुनाफा बुक करें तो करें कहाँ। दूसरे वो लोग भी हैं जब इतनी ज़्यादा रैली आ चुकी है उसके बाद भी उनको लगता है कि हमसे मिस हो गया है, तो क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए कि नहीं? तो पहले तो अचल पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 1 महीने के अंदर 27% का रिटर्न, 6 महीने में 125% से ज़्यादा का रिटर्न, इनको 172% का रिटर्न, आपकी सलाह क्या होगी सर? देखिए, मेरी सलाह है कि एक बार को आप होल्ड करें, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो तकरीबन जो है 82,000 करोड़ के आसपास का है, और कंपनी को अब तो बाहर से भी इनके जो है ऑर्डर मिलने लग गए हैं। इवन मतलब अगर आप छोटी छोटी जितनी भी कंट्रीज हैं आप देखें, अर्जेंटीना, इजिप्ट, श्रीलंका, मालदीव्स, बोस्वाना, थाईलैंड, नाइजीरिया, इन तमाम जगह से इनको जो है 150 बिलियन जो है US डॉलर में इनको ऑर्डर मिले हैं, और कुछ नेगोशिएशन एडवांस स्टेज पे चल रही हैं। तो जो डिफेंस में हम दूसरे की तरफ जो है निर्भर थे, अब जो है हम दूसरों को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा यू टर्न, मतलब एक बड़ा ह्यूज जो है चेंज हुआ है कंपनी के लिए, और जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि होल्ड करना एक वाजिब स्ट्रैटेजी होगी। अगर जब तक कि अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप बुक करें प्रॉफिट, जस्ट राइड द टाइड करें। ठीक, चलिए इस बीच चलते हैं अगले हमारे जो दर्शक हैं उनके पास, और अगले दर्शक जैसा कि हमने आपको बताया था उनका सवाल जो है भारत डायनेमिक्स के ऊपर था, रचित सक्सेना जी का। कह रहे हैं, इस वैल्यू पे बाई कर सकते हैं क्या 1 साल के लिए? 1 साल का इन्होंने अपने लिए नज़रिया निर्धारित किया हुआ है। कल यहाँ पर जो है हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तेज़ी BDL के अंदर आती हुई दिखाई दी थी और काफ़ी शानदार मूव जो है वो देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए सर BDL के अंदर? कल जो है कई सारे ब्रेकआउट देखने को मिले थे, 24 मई को यानी कि आपसे 2 दिन बाद शेयर जो है 1:2 के रेशियो में स्प्लिट भी होने वाला है, और 29 मई को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले ये जो रैली है वो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि 6 महीने में 129% और 1 साल में 140% का रिटर्न दिया है, कल जो है हम देख रहे थे करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी रही। अब देखिए, डिफेंस की हम दो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी ये कंपनी है। पहले हमने HAL के बारे में बात कर लिया, और ये कंपनी भारत डायनामिक्स जो है वो अगर आप देख लें तो गाइडेड मिसाइल्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है ये कंपनी। और ये कंपनी जो है एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं उसके। और जो है लास्ट ईयर से ग्रोथ भी अगर देखेंगे तो TTM बेसिस पर लास्ट ईयर 352 करोड़ था, इस बार 477 करोड़ के करीब का है TTM बेसिस पे, लेकिन 2022 में इसमें ज़्यादा था अगर आप देख लें तो। और इस बार जो है अदर इनकम पोर्शंस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, 311 करोड़ रुपए के करीब की अदर इनकम है।
टीटीएम बेसिस पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वैल्यूएशन हमें थोड़ा स्ट्रेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सतर्क सावधानी रखनी चाहिए, जहाँ पर वैल्यूएशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। अगर कि प्राइस में किसी भी तरह से गिरावट हो तो 5 to 7% नीचे जो है करंट मार्केट प्राइस के आप स्टॉप लॉस लगा के जरूर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वैल्यूएशन ज़्यादा है तो आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें। ठीक, चलिए इस बीच जो है यूनुस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। अस्सलाम वालेकुम सर, नमस्कार। वालेकुम साहब, नमस्कार जी आपको भी। मैं कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नागौर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से सर। अच्छा, बहुत अच्छी जगह है सर नागौर। बताइए सर, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं और मनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? जी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है सर हमारी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स में भी आप लिंक को सर्कुलेट करें ताकि और लोगों तक हम पहुंच सकें। बताइए सर, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है, ला उपाला के लिए मैंने 227 में शेयर दिए 100। ला उपाला में क्या मैं बना रहा हूँ? 6 महीने का मेरा नजरिया है। 6 महीने का नजरिया है आपने, 227 227 पे लिए है ना? जी, ला अच्छा, उपाला जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ला उपाला 227 पे लिए हैं, 327 के पास है, 100 रुपये पर शेयर के आसपास का आपको मुनाफा यहाँ पर हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कब लिए थे सर आपने ये? वो टाइम हो गया सर। हाँ, क्योंकि जो है आपने बहुत ऊपर के भाव भी देखे लेकिन आप निकले नहीं यहाँ से। जी अब क्या करें सर, इसमें रहें या हाँ, निकल जाए? अभी अब पूछते हैं सर, संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूरे साल जो है इस शेयर ने जो है वो एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है और आपने धैर्य दिखाया है इतने समय तक होल्ड करने का। सर क्या करना चाहिए, क्योंकि अब नुकसान इनको तो नहीं हो रहा है लेकिन ऊपरी स्तरों से इनका मुनाफा काफ़ी कम हो गया है। 227 पे लिए थे, 322 का भाव है, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए मुझे लग रहा है होल्ड कर लें एक बार, और मार्केट हो सकता है कि जो है फिर से ऊपर जाए, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो दिक्कत देखने को मिली है वो कि लास्ट ईयर से टीटीएम बेसिस पर अगर देखें तो रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 391 करोड़ का टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे रेवेन्यू है, जो कि मार्च 2023 के साल में फाइनेंशियल ईयर में 452 करोड़ था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरी है, लास्ट ईयर 172 करोड़ था, इस बार 151 करोड़ के करीब है। तो ये इसमें एक डी ग्रोथ देखा जा रहा है, जो कि लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर बात कहें तो कंपनी ने बराबर रखा है। तो जरूर थोड़ी सी चिंता का विषय है, लेकिन चूंकि इनकी होल्डिंग जो है नीचे की है तो मैं कहूंगा होल्ड करें, क्योंकि कंपनी पे डेट नहीं है पहली चीज जो पॉजिटिव है, और कंपनी का एफिशिएंसी रेशियो काफी अच्छे हैं, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब काफी सुपीरियर हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी काफी सुपीरियर है, 45% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि होल्ड करें, आने वाले टाइम पे इनको और अच्छे भाव मिल सकते हैं। ठीक, चलिए जो है इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ इमरान जरी साहब हैं। इमरान साहब कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, हेलो इमरान साहब, कैसे हैं आप? कह रहे हैं आप मेरा सवाल नहीं लेते हो, मैं बहुत दिन से पूछ रहा हूँ, आज सवाल आपका ले लिया जा रहा है। सर नाराज़ मत हुआ कीजिए आप लोग, क्योंकि आप ही लोग जो है इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। इरकॉन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 198 शेयर इनके पास हैं, 279 के भाव पर लिए हैं, और कह रहे हैं कि आगे के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। नज़रिया इन्होंने हमें नहीं बताया है, लेकिन 279 पे इन्होंने इरकॉन के शेयर लिए हुए हैं। कल हमने देखा कि पूरे रेलवे पैक में एक अच्छी बढ़त जो है आती हुई दिखाई दे रही थी, और अभी के अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है थोड़ा 3-4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर काफ़ी जो है पूरे रेलवे पैक में ही काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिली है, इन्होंने थोड़ा सा ऊपर ज़रूर लिया है 279 के आसपास। क्या सजेशन रहेगा आपका, क्योंकि अभी इनको मुनाफे में तो नहीं है लेकिन ब्रेक इवन के आसपास हैं, तो हो सकता है आजकल में ही इन्होंने लिया हो, कल लिया हो, परसों लिया हो। क्या सजेशन रहेगा कि अभी क्या होल्ड करना चाहिए इरकॉन को? देखिए चूंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट रिपीट करती है, तो रेलवे डिफेंस ये काफ़ी अच्छे करेंगे यहाँ के स्टॉक्स। वैल्यूएशन भी बहुत महंगे नहीं है, थोड़े से हायर साइड में है लेकिन बहुत महंगा नहीं है गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है कि होल्ड कर लें। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो मुझे लगता है 267 के आसपास बाय क्लोजिंग बेसिस लगा सकते हैं। जी, अगला प्रश्न आया है जीएमआर को लेकर के, और जीएमआर को लेकर के ये प्रश्न हमें भेजा गया है हमारे दर्शक की तरफ से, कविता जी, कविता राजेश मोरवाल जी ने भेजा है। करी नमस्कार, नमस्कार आपको भी। जीएमआर एयरपोर्ट आई हैव 100 शेयर, 87 के भाव पर होल्ड करें या सेल? सर ये भी एक दायरे में फंस गया है शेयर,
निकल नहीं रहा है वहाँ से। और जबकि इसमें देखे हमने देखा जीक्यूजी पार्टनरशिप ने भी होल्डिंग ली, एयरपोर्ट को लेके काफ़ी कामकाज भी हो रहा है देश भर के अंदर, लेकिन शेयर अपनी रेंज नहीं छोड़ रहा है। लेकिन क्या इस बार जो रैली देखने को मिल रही है, जो रिकवरी है, वो सस्टेनेबल लग रही है आपको? क्या सलाह रहेगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के अभी 87 का रेट? देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से तो कंपनी ने ठीक किया है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी निराशा है, क्योंकि कंपनी पर डेट बर्डन 31,000 करोड़ के आसपास है, जिसके कारण की नेट प्रॉफिट कंपनी की नहीं हो पाती है। और चूंकि जो है एयरपोर्ट पे एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़े हैं, उनके ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब प्रॉफिट नहीं आती है तो थोड़ा दिक्कत होता है, और एक दायरे में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट बेसिस पर प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो मैं कहूँगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, 78 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के आप कर सकते हो, लेकिन चूंकि प्रॉफिट जहाँ नहीं रहती है, मेरी बेसिकली सलाह नहीं होती है, क्योंकि जो है इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी अगर आप नेट प्रॉफिट पे जो है कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो बिजनेसेस मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। अगला प्रश्न मझगांव डॉक को लेकर के है, और मझगांव डॉक में एंट्री करना चाह रहे हैं और कोचिन शिपयार्ड में एंट्री करना चाह रहे हैं। तो डिफेंस जो है वो लगातार लोगों का फेवरेट बना हुआ है, जिस तरीके से क्वेरीज का हम फ्लो देख रहे हैं, कुछ लोग ले चुके हैं, कुछ लोग लेना चाह रहे हैं। तो अभी भी पीएसयू लोगों के फेवरेट हैं, चाहे वो रेलवे में सवाल आ रहे हों, पावर में सवाल आ रहे हों, डिफेंस में सवाल आ रहे हों। मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड, इन दोनों में ही अच्छी रैली रही है सर। काफ़ी सारे ऑर्डर फ्लो भी देखने को मिले हैं। इन दो में से अगर लेना हो तो किसको लेना पसंद करेंगे और क्या वजह रहेगी? देखिए, मुझे तो लगता है मैं तीसरी कंपनी को ज़्यादा समझता, वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि वहाँ पर गैप ज़्यादा है, वो है गार्डन रिज शिपयार्ड। वो कंपनी मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है वैल्यूएशंस के लिहाज से, और उसमें अपसाइड मुझे लगता है कि इन दोनों कंपनी से ज़्यादा हो। ऑल्दो रिलेटिवली इनसे छोटी कंपनी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज के लिहाज से वो कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे मेजगांव डॉग लीडर है, आप चाहे देख सकते हैं, बट लेकिन हम लोग हमेशा वैल्यूएशंस और अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा होगी, और वो मुझे लगता है कि जीआरसी में ज़्यादा लग रही है। तो जो है यहाँ पर जी शिपिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर संतोष जी जी को शिपिंग नहीं, बिल्कुल जी, जी। जीआरएससी गार्डन रिस्क अच्छा, शिपयार्ड। ठीक, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, ये ध्यान रखिए आप। चलिए इस बीच हिमांशु से बातचीत कर लेते हैं। हिमांशु जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं हिमांशु जी, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, और सर मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बताइए क्या सर प्रश्न पूछ। मेरे दो क्वेश्चन है सर। जी एक मुझे जानना है, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज मैंने परचेज किया है जी 482 पे 50 शेयर, अच्छा, और सर एक जोमेटो का करंट लेवल पे एंट्री ले सकते हैं नहीं ले सकते? सिग्मा आपने किस भाव पे लिया, एक बार फिर से बता देंगे? सर 482। 482 पे आपने लिया हुआ है, चलिए ठीक है यस सर। जी। क्या सोच के लिया था सर, कुछ खास वजह? सर ये हाँ सर, एक्चुअली क्या था, मैं एक बार किसी क्या कहते हैं आपके एक्सपर्ट्स को ही सुनना था, उन्होंने क्या कहते हैं बताया था कि जी आने वाले टाइम में क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर्स का काफी स्कोप है। सर ये सेमीकंडक्टर्स में ही थी, और मैंने इसको अपने ऐप में चेक किया था, तो एनालिटिक्स जो आता है उसमें रिकमेंडेड भी था 90%। चलिए, अभी तो आप फिलहाल नुकसान में हैं, 482 पे आपने लिया हुआ है, 429 का भाव देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। इस नुकसान में आपको बने रहना चाहिए या नहीं, ये अभी संतोष जी से पूछते हैं। और दूसरा आपने कहा जोमेटो के बारे में आपका प्रश्न है, और जोमेटो पे और भी हमारे पास कई सारे सवाल आए हुए हैं। सोनू वर्मा जी भी कह रहे हैं, कह रहे हैं सर चरण स्पर्श, अरे सर चरण स्पर्श मत कीजिए, आपको चरण स्पर्श है। जोमेटो में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, क्या करूं, 1 साल होल्ड कर सकता हूं? तो ये भी जो है होल्ड कर सकते हैं सोनू जी भी, और इन्होंने भी सवाल जोमेटो को लेकर के पूछा है। दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। एक तो सिरमा पे ये लॉस में है इस समय, जो है ठीक ठाक लॉस हो रहा है इनको, और दूसरा जोमेटो अभी क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? काफ़ी रैली आ चुकी है आज, हालांकि 2.5% के आसपास की गिरावट है, पिछले एक महीने में थोड़ी सी सुस्ती रही है, 4.5% करेक्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने देखा काफ़ी अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई दी है। इन दोनों शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। तो विपुल जी, शर्मा के लिए मुझे लगता है कि इनको चुन चुन तक जो है वेट करना चाहिए, वहां पर हम चल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक और ठीक ठीक जोमैटो है, जोमैटो के बारे में हमने कई बार आपसे बात कर चुके हैं। देखिए, जोमैटो में एक तो प्लेटफॉर्म बिजनेस है काफी, अब इन दिनों थोड़ा
प्रॉफिटेबल हुआ है, क्योंकि जो है इनके बिजनेसेस में अब जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने लगी है। लास्ट क्वार्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से 74 करोड़ रुपए था, और पूरे साल की अगर बात कर लें तो 124 करोड़ रुपए, सॉरी 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 मैं दूसरा देख रहा था, 1 मिनट। हाँ, मैं अगर देखूँ तो लास्ट क्वार्टर में 86 करोड़ रुपए जोमेटो की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, और नेट प्रॉफिट में अगर देख लें तो 175 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट जोमेटो का था। लेकिन वैल्यूएशंस अगर देखेंगे विपुल जी, तो 1,62,000 करोड़ के वैल्यूएशंस हैं ऑलरेडी। मतलब पॉजिटिव कहाँ तक फैक्टर किया जा चुका है, बहुत तो मतलब महंगा स्टॉक जिसे हम कहते हैं वो स्टॉक दिख रहा है आज के दिन पे वैल्यूएशंस के लिहाज से। तो यहाँ पर मुझे अवॉइड की सलाह दूंगा, और शर्मा पे तो मैं बाद हम में लोग चर्चा अभी करते हैं। चर्चा बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो शर्मा के लिए थोड़ा आपको कार्यक्रम अंत तक देखना होगा, ये आपसे निवेदन है, कार्यक्रम में बने रहें। रोहित जी का सवाल ले लेते हैं। सर, आज मेरा सवाल आप क्यों नहीं लेते हैं? ले लिया सर। पारस डिफेंस के ऊपर इनका सवाल है कि फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, टारगेट क्या रहेगा डिफेंस को लेकर के? सर, चूंकि अब एक माहौल बना हुआ है, तो निश्चित रूप से सब लोग जो है ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जिनमें उस तरह की रैली देखने को नहीं मिली है, क्योंकि 150% 200% की रैली हमने देखा कि आ चुकी है डिफेंस शेयरों के अंदर। अब पारस डिफेंस में हमने देखा एक साल में करीब 50% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक महीने में 12 साढ़े 12% का रिटर्न आते हुआ दिखाई दिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, पारस डिफेंस को लेकर के फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? मुझे लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि जब से देख रहा हूँ मैं इसमें प्रॉफिट जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर और TTM में प्रॉफिट गिरे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको डिफेंस में अगर देखना है तो PSU स्टॉक ज़्यादा अच्छे हैं, जहाँ पर कि ऑर्डर बुक स्वेल कर रही है, नंबर्स भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे आ रहे हैं। तो बेटर होगा कि हमने अभी डिफेंस की कुछ बात की कंपनियों की, वहां पर आप देख सकते हो ना कि पारस डिफेंस उस लिहाज से, क्योंकि तो महंगा भी है, 92 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है, EV/EBITDA पे 52 टाइम्स है, और इस TTM बेसिस पे नंबर्स अच्छे उतने नहीं आए हैं, तो आई थिंक अवॉइड। अवॉइड की सलाह यहाँ पर निकल करके आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है, गर्मी है तो घर में ही है। गर्मी तो सर बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, ख़ास तौर से ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली NCR, यहाँ पर तो बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है और नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से हूँ। मध्य प्रदेश मंदसौर से आप बोल रहे हैं। चलिए सर, वहाँ भी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब आप इस तरफ आएंगे ना तो आपको लगेगा चलिए मध्य प्रदेश में ही जी थोड़ी बहुत राहत है, हालांकि पूरे उत्तर भारत ही जी खौल रहा है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? थोड़ी ठंडक आपको जवाब के माध्यम से देते हैं। जी सर मेरे दो सवाल है कि जी स्टॉक मार्केट की। एक तो मेरे पास आइनॉक्स ग्रीन के शेयर हैं, दो कौन से सर? शेयर आइनॉक्स ग्रीन आइनॉक्स ग्रीन, ठीक है सर जी। जी, और इसके यस बैंक के भी 300 शेयर है, 309 शेयर। आइनॉक्स ग्रीन किस तो रेट पर ये लिया हुआ आगे आपने? आइनॉक्स ग्रीन मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, दोस्त के द्वारा लिया था। अरे सर, निवेश में ऐसी लापरवाही मत किया कीजिए, क्योंकि जो है ना, चलिए ठीक है, आपको एक व्यू इस पर दिला देते हैं आइनॉक्स ग्रीन पे। और दूसरी कंपनी कौन सी बताई आपने? 124 के हिसाब से लिए थे आइनॉक्स ग्रीन में, और यस बैंक में 22 रुपए के हिसाब से लिए। यस बैंक 22 रुपये के हिसाब से। चलिए 123 पे, 124 पे आपने लिए हैं, तो आइनॉक्स ग्रीन में आप प्रॉफिट में हैं इस समय, और 2.25%, हालांकि आज गिरा हुआ है लेकिन आप प्रॉफिट में हैं यहाँ पर, ये अच्छी बात है। 6 महीने में शेयर ये भी डबल होता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ कहीं भी ग्रीन, रिन्यूएबल इस तरह के शब्द आए, सब में अच्छी रैली देखने को मिली है। और दूसरा 22 रुपये पे आपने यस बैंक भी ले रखे हैं, तो यस बैंक पे अगर हम देखें तो 1% के आस पास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर। इसमें यस बैंक पे 1 रुपये इनको मिल रहे हैं, क्या भरोसा है यस बैंक को लेकर के आपको, या फिर अभी एक बार के लिए 1 रुपये मिल रहे हैं निकल जाएं? और दूसरा आइनॉक्स स्क्रीन सर। देखिए, यस बैंक में अगेन एक काफ़ी जो है रिचली वैल्यूड कंपनी है, शेयर है, क्योंकि प्राइस टू बुक हम लोग जो देखते हैं उसमें काफ़ी महंगा शेयर लगता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एकदम जो है आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें,
और तकरीबन 22 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें आप इसमें। और दूसरा आइनॉक्स विंड, अगर अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है तकरीबन 3-4 क्वार्टर से कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट में आई है और 2 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट पे प्रॉफिट आया है। क्योंकि गवर्नमेंट का उद्यम काफ़ी है कि वो पहले की विंड एनर्जी की तरफ भी काफ़ी निवेश हो रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं लोग, और उसमें भी जो ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी की तरफ फोकस है, तो विंड एनर्जी इज वन ऑफ देम। तो इसमें काम हो रहा है लेकिन थोड़ा महंगा है। आई थिंक इसमें होल्ड करें, चूंकि अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है तो, और पैरेंट काफी अच्छी कंपनी है, तो उस लिहाज से होल्ड करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये सलाह आई आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच मानवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। मानवेंद्र जी को नमस्कार। सर नमस्कार, सर कैसे हैं? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर इलाहाबाद से बोल रहे हैं। चलिए इलाहाबाद से बोल रहे हैं। इलाहाबाद में भी गर्मी पड़ रही है जबरदस्त। जी बहुत गर्मी पड़ रही है सर। हाँ गर्मी बहुत पड़ रही है सर, बताइए सर क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास IRFC की 1,000 शेयर है, 148 रुपये 70 पैसे के हिसाब से। तो अच्छा, और जी, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर अब हम सोच रहे हैं सर मैक्सिमम 1 महीने के लिए इलेक्शन तक, तो आप, मैं आपसे सलाह लेना चाह रहा हूँ सर कि कब तक वेट करें? अभी तो लगभग 26-27 हज़ार का प्रॉफिट है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बात यह कि आपने क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले रखी है, तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जी और सर, ये जो आपके अंदर की दुविधा है, यही पूरे बाजार की दुविधा है कि क्या चुनाव तक रुका जाए, चुनाव से पहले प्रॉफिट बुक करके माफ़ कीजिए कैश पे आ जाए, ये सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। लेकिन ये अब संतोष जी दुविधा सुलझाएंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में भी मेरा यही सवाल था, अभी भी यही सवाल है सर। रेलवे को लेकर के आपसे एक बार बात हो चुकी है, लेकिन इनकी जो दुविधा है वो रेलवे समेत तमाम ये जो PSU शेयर की रैली है, इस पर आपकी राय रहेगी क्या? क्या जिनको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो क्या चुनाव के पहले बुक कर लें, या फिर अभी जो आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं अभी होल्ड करके चलें और नतीजों के बाद एक और रैली देखने को मिलेगी? ये यूं तो फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड लगती है मेरे को, और अगर आप देखें कि इंफ्रा में जो अपॉर्चुनिटी होगी उसमें RVNL कह लें, उसमें ज़्यादा मुझे दिखता है कि वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। और ये कंपनी चूंकि ओवर वैल्यूड है, मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, 170-172 रुपये का बाय क्लोजिंग बेसिस लगा के जरूर रखें, ताकि उसके नीचे जाए तो निकल जाए वहीं से, क्योंकि रिचली वैल्यूड है ये कंपनी। कंस्ट्रक्शन में मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अगर रेलवे के इंफ्रा में, तो RVNL बोल लें या एयरकॉन बोल लें, ये कंपनियां मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि इनको ज़्यादा काम मिलेगा। जी चलिए, इस बीच जो है पूजा जी का सवाल ले लेते हैं। और पूजा जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, आई एम पूजा फ्रॉम नासिक। कह रही सर आपकी राय मुझे बहुत हेल्प करती है, थैंक सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, कार्यक्रम देखने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। टाटा मोटर्स के 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 632 के भाव पर, और अब ये जानना चाह रही हैं कि प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं। आपने कब लिया था और किस भाव, कितने, क्या नज़रिया क्या है मैम आपका, ये भी आपको अगर बताई होती तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, इस पर एक राय लेते हैं। 632 पे लिया है आप, जो है अच्छे खासे मुनाफे में आप बैठी हुई हैं, टेंशन आपको लेने की आवश्यकता है नहीं। हालांकि नतीजे जब आए थे और जगुआर की सेल को लेकर के थोड़े से कंसर्न आए थे यूरोप की बिक्री को लेकर के, तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी, पर अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो शेयर ने काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है और आपका पोर्टफोलियो भी इस समय काफ़ी चमक रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 40% के आसपास का रिटर्न रहा है। आपकी राय क्या होगी सर टाटा मोटर्स के ऊपर? ये टाटा मोटर्स पे मुझे लगता है कि आप होल्ड करें, कंपनी जो है काफ़ी अच्छे, अगर इस साल के नतीजों को देख लें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं नतीजे, पूरे साल के क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छा नतीजा कंपनी ने पेश किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से हाईएस्ट प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में दी है, लेकिन जो है चूंकि स्टॉक प्राइस भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा था कि स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुका है, मुझे लगता है कि एक दायरा है नीचे 900 तकरीबन 30-40, और ऊपर में आप अगर देख लें तो वो तकरीबन जो है 1,050-1,060 के आसपास है। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा अभी, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक होल्ड करने की सलाह होगी। अभी आप होल्ड करें, लेकिन जो है थोड़ी बाद में अगर यहाँ से निकलता है ये स्टॉक तो तकरीबन जो है आपको 20-25% और मुनाफा हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि होल्ड की सलाह यहाँ पर होनी चाहिए। जी चलिए, इस बीच श्रवण हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। श्रवण जी नमस्कार।
नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? रायबरेली यूपी से बोल रहे हैं। जी जी बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? ट्राइडेंट के लिए हमारा सवाल था, हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको जो है लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा किस रेट पे लिए, किस रेट पर लिए हैं सर? 44 रुपए पे 2500 शेयर है हमारे। चलिए 44 रुपए पे 2500 शेयर आपने लिए हुए हैं, अभी आप नुकसान में हैं। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? नहीं नहीं लॉन्ग टर्म व्यू है, कभी भी आप, कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया है, ये तो अच्छी बात है। पर नतीजों ने निराश किया है कंपनी के, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर आपको और तमाम ट्राइडेंट के निवेशकों को नुकसान हो रहा है। अब होल्ड करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए, ये संतोष सर से पूछते हैं। संतोष जी क्या राय होगी ट्राइडेंट के ऊपर? 38 अभी 44 पे लिया हुआ है, 38 पे चल रहा है शेयर, आपकी क्या सलाह रहेगी? तो डिस्क्लोजर है कि हमारे पास भी ये शेयर है और इन्हीं प्राइस के आसपास का लिया हुआ है, हम लोग पोर्टफोलियो में है ये शेयर, तो आपको होल्ड करने की सलाह होगी। जैसा आपने ठीक कहा कि नतीजे तो इतने अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें यूएस इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी, जो कि यहाँ से उनका एक बड़ा मार्केट पाए है, वो थोड़े से जो है वहाँ पर खराब रहे हैं, लेकिन ये कंपनी में मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में अच्छा करेगी। और दूसरी चीज़, ये कंपनी के दो वर्टिकल हैं अगर आप देखें, मेनली जो है वहाँ पे एक पेपर है, दूसरा जो है इनके टॉवल बेडशीट्स के जो बिजनेस हैं वो काफ़ी जो है ठीक हैं, लेकिन थोड़ा होल्ड करने का पीरियड हो सकता है कि आपका होल्डिंग थोड़ा बड़ा हो, और मुझे लगता है कि इसमें जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपनी में। यू भी अगर आप देखें लास्ट ईयर से इस साल तक अपने 600 करोड़ रुपए की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि आपको होल्ड करें, और डिस्क्लोजर है कि हम लोग पोलियो में ये शेयर है। ठीक, चलिए रवि से बात कर लेते हैं। रवि जी बताइए। नमस्कार जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या है प्रश्न, पूछिए सर। सर मेरे पास 298 शेयर हैं ईस्ट इंडिया के। कौन से सर? 462 के रेट से ईस्ट इंडिया लिमिटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, टिप्स इंडिया लिमिटेड के शेयर आपने लिए हुए हैं। चलिए जी, 462 के रेट से हैं सर। अच्छा 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 462 के भाव पर आपने, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 2 महीने। 462 पे आपने लिए हैं, 421 का भाव आ गया है, ऐसे में क्या 2 महीने में आएगा इसका कहना तो बड़ा मुश्किल है। 6 महीने में 10-1% चला है सर, बहुत ऊपर जा कर के लिया है सर इन्होंने। 462 इन्होंने शायद रेट बोला, 462 बोला ना रेट आपने? जी। हाँ वो स्क्रीन पर रेट शायद गलत आ गया, 462 टिप्स इंडस्ट्रीज के शेयर लिए हुए। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी टिप्स को लेकर के? ना कम दिन का नजरिया है, और चूंकि कंपनी में स्टॉक प्राइस में देखे तो इंटरमीडिएट जो टर्म ट्रेंड है, स्टॉक ट्रेंड है, जो चूंकि बहुत कम दिनों का देख रहे हैं तो उनको स्टॉक ट्रेंड देखना पड़ेगा, प्राइस ट्रेंड देखने पड़ेंगे, और वो प्राइस ट्रेंड अभी तक डाउन है। जब तक कि स्टॉक प्राइस में 470 रुपए के ऊपर वापस नहीं निकलता है, तब तक तो ट्रेंड इसका डाउन ही है। और जो है, और इमीडिएट अगर देखें तो 440 रुपया जो है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक में अगर इतना शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुझे लगता है होल्ड नहीं करना चाहिए। अब जो है 415-16 रुपए एक बड़ा लेवल होगा इनके लिए, कि अगर उसके नीचे जाता है तो फर्दर जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इंटरमीडिएट वो फिर से कंटिन्यू हो सकता है और ज़्यादा गिर सकता है स्टॉक। तो चूंकि स्टॉप लॉस तो बहुत पहले इनका ट्रिगर हो चुका था 455-56 के पास, तो मैं कहूंगा कि अब नेक्स्ट जो लेवल है स्टॉप लॉस का 416। ठीक सर, अब चूंकि हमको बदेंगे स्टॉक्स पे भी जाना है, लेकिन उस पे जाने से पहले हम जरा एक व्यू आपका लेना चाहेंगे, एक क्षेत्र ऐसा जिस पर हम रोज़ बात करते हैं और जानबूझ करके जो आज सवाल आ रहे थे थोड़े से हमने अवॉइड किए, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत थी कि आप डेली डिस्कस करते हैं लेकिन सवालों की झड़ी ऐसी रहती है, वो है पावर क्षेत्र सर, और ख़ासतौर से PSU पावर। मैं चाहूँगा कि एक बार जो आपका व्यू है इरेडा, NHPC, SJVN पर, ख़ासतौर से NHPC और इरेडा को लेकर के, कि क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि अब रिकवरी आई है NHPC के अंदर जो है वो 104-105 के लेवल दिखने लगे हैं, इस रैली में कहां तक जा सकता है, और इरेडा पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए PSU क्षेत्र में चूंकि जो है अगर आप देखें तो बहुत बड़ा पाई है जो कि जो है पावर जनरेट करता है, और ये पावर जनरेशन का जो इकोसिस्टम है उसमें जो फाइनेंसिंग करती है कंपनी वो इरेडा है, और वो भी ग्रीन जो है पावर को ज़्यादा फाइनेंस कर रही है,
तो वो जो रिन्यूएबल पावर है बेसिकली, तो अगर आप देखें पूरे इको सिस्टम में, जो जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, और जितने नई कैपेसिटीज आ रही हैं सारे पीएसयूज के या इवन फॉर प्राइवेट कंपनीज, तो वो ज़्यादा ग्रीन की तरफ आ रही हैं। मुझे लगता है कि अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इरेडा थोड़ा महंगा लगता है, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहूंगा। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए एसजेवीएन और एनएचपीसी, तो थोड़ा अभी लें, थोड़ा गिरावट पे लें, और इसको पोर्टफोलियो का स्टॉक बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अपॉर्चुनिटी साइज है, मुझे लगता है कि अच्छी तेजी यहाँ पे हो सकती है। एक सर कॉमन सवाल है सबके जो आ रहे हैं, एनएचपीसी पे टारगेट क्या हो सकते हैं अब जिन्होंने 90, 92, 93 पे लिया हुआ है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह से कंपनी, अब कितने दिनों तक रखना है आपको, टारगेट हमेशा निकलते हैं कि आप जो है कंपनी के लाइफ साइकिल में कितने दिनों तक रहना चाहेंगे, उस लाइफ साइकिल में कंपनी कितना पैसा कमा सकती है, उसको एनालिसिस करते हुए हम हमेशा टारगेट निकालते हैं कि कितनी अर्निंग्स आ सकती है, फिर मार्केट जो है उसको कितना डिस्काउंट कर चुका है ऑलरेडी। और तो बेसिकली अगर आप देखें तो चार्ट पर ही देख के अगर हम एक टारगेट जो है वो निकालने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि अगर नियर टर्म टारगेट में 115 से 120 रुपए तक जो है, मुझे लगता है कि एनएचपीसी जा सकता है, अगर वेरी नियर टर्म टारगेट होती है।